मुस्लिम, ये सिख वो ईसाई, ये सब सियासत की बातें हैं, चलो यार इश्क करें। नमस्कार, पर्पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां नफरत की दीवार हर जगह खड़ी की जा रही है आपके और हमारे दिलों के बीच में, और ये नफरत के बीच हमारी मौजूदा सरकार और देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया, जिसे आज हम और आप गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। आज के मौजूदा दौर में बीजेपी सरकार उस नीति पर चल पड़ी है जहां वो अपनी सत्ता 2019 में पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है, कभी गाय के नाम पर तो कभी नमाज के नाम पर, कभी तीन तलाक के नाम पर और कुछ नहीं बचा तो आतंकवाद के नाम पर। ये सरकार मुसलसल इन मुद्दों पर मुसलमानों को फंसा रही है और इसका साथ बखूबी बड़ी शिद्दत के साथ गोदी मीडिया भी दे रही है। तीन तलाक के बहाने मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने का दम भरने वाली मोदी सरकार, जब सबरीमाला का मुद्दा उठाया जाता है तो हिंदू बहनों पर पुलिस द्वारा लाठियां मारने में भी देर नहीं लगाती और इस खबर को मोदी मीडिया ऐसे छुपाता है जैसे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। तीन तलाक पर हल्ला बोलने वाली और सबरीमाला पर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली गोदी मीडिया भले ही इन खबरों को दबा दे, पर पलपल न्यूज इन खबरों को दबने नहीं देगा। सबरीमाला से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खबर निकल करके सामने आई है, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो चला है, क्योंकि ये खबर के बारे में नफरती सरकार और गोदी मीडिया जो देश में दंगे कराने के लिए बैठी है, इसके बारे में नहीं बताएगा। सबरीमाला से इंसानियत की मिसाल कायम हुई है और मुसलमानों के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में दो महिलाओं के प्रवेश के बाद केरल में कई जगह हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इन सब के बीच राज्य के पलक्कड़ जिले में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखने को मिली। दरअसल हैदराबाद से 15 श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा एक वाहन कुरमंडल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के एक समूह में देखा जो कि पास की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और श्रद्धालुओं को उस वाहन से निकाल कर वह वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर धान के खेत में गिर गया था। पीड़ितों को मस्जिद में ले जाया गया और वहां उनका इलाज कराया गया। शाहुल हमीद फैली उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया जिस वाहन से लोग यात्रा कर रहे थे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, उसे मरम्मत के लिए भेजा गया। दुर्घटना के मामूली रूप से घायल तीर्थ यात्रियों को हम मस्जिद में ले आए और वहां उनका इलाज कराया, नाश्ता पानी कराया, कुछ बातें पुलिस को बताई और पुलिस ने उनको सही सलामत फिर से श्रद्धालु दर्शन के लिए चले गए। उस दिन सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में दो महिलाओं 44 वर्षीय कन्ना दुर्गा और 42 वर्षीय बिंदु ने प्रवेश किया था। उसके बाद उनके खिलाफ पूरे राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसके बाद बीजेपी के समर्थकों ने गुरुवार को केरल में बंद का आह्वान किया था। राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसक घटनाएं सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में सबरीमाला को लेकर के बंद का आयोजन किया और उस बंद के दौरान वो इतना उत्तेजित हो गए और इतने हिंसक हो गए कि वो लोग अपनों पे ही हमला करने से बाज नहीं आए। वो बस को बुरी तरीके से घेर लिया गया और वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस बस ने अपना आपा खो दिया और वो वहां पर दुर्घटनाग्रस्त होकर के गिर पड़ी और वहां पर श्रद्धालु जो दर्शन के लिए जा रहे थे उनको काफी चोटों का सामना करना पड़ा। पर फिर भी हिंसक बाज तो सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए ही इस धरती पर आए हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो ना अपने देखते हैं ना पराए देखते हैं, उन्हें सिर्फ हिंसा फैलाने से मतलब होता है, तो वो सिर्फ हिंसा ही
फैला करके दम लेंगे। उन्होंने उन श्रद्धालुओं की मदद नहीं की, पर सलाम उस मुस्लिम भाई को जो वहां से गुजर रहा था। और जब उसने ये मंजर देखा तो अपने मस्जिद में गए और अपने कई साथियों को वापस लेकर के आए और उन श्रद्धालुओं की जान बचाई जो घायल अवस्था में वहां पड़े हुए थे, और उनका इलाज कराया। और उसके बाद इस खबर को इस तरीके से छुपा दिया गया जैसे केरल में कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस खबर को इसलिए छुपाया गया कि वहां पर हिंसक जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आयोजन किया था, और उस बंद के दौरान कई हिंसक घटनाएं हमारे और आपके सामने आई जिसके बारे में गोदी मीडिया ने बिल्कुल भी पता ना लाजमी नहीं समझा, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो, भले ही लोगों का नुकसान हो जाए, लोगों की जान चली जाए, गोदी मीडिया इन सब की परवाह करने वाला बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ नफरत फैलाएगा, और नफरत के बीच में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शक्ल के रूप में हम लोगों के सामने खबरें आ रही हैं, उसको भी पूरी तरीके से छुपाया जा रहा है। तो केरल के उन मुसलमानों को सलाम है जिन्होंने इस कदम को उठाया, और उन्होंने ना जात देखी ना धर्म देखा, बस उन्हें नजर आई तो इंसानियत, और उस इंसानियत को बचाने के लिए वो लोग मस्जिद ले गए और मस्जिद में उन लोगों का इलाज कराया। और फिर पुलिस वालों को सूचना दी गई दुर्घटना की, और उस दुर्घटना के जगह पर पुलिस वाले पहुंचे तो जिन्हें जो लोग सही सलामत थे उन्हें दर्शन के लिए वहां से रवाना कर दिया। और लोगों से जानकारी के दौरान पता लगा कि जब श्रद्धालु मस्जिद से रवाना हो रहे थे तो लोग आपस में गले मिलकर के रो रहे थे, क्योंकि ये रोना आज करके नफरत के दौर में देखा गया तो इंसानियत की रूह भी कांप गई, और देखा कि आखिरकार हम लोग कितना नीचे गिर गए हैं, जो नफरत फैलाने में बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं, जो इंसानियत बचा रहे हैं उनको भी शक के दायरे में ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरें लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।